आज अच्छी बात यह है कि नतीजों से पहले देखिए शेयर लाल निशान में था, इससे पहले भाग जाए। बताइए अब किरण जी, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं गेल के लिए? सी गेल में मेरा मानना है कि बहुत ही ओवरसोल्ड चार्ट हो गया है, तो मेरा मानना है बाउंस बैक तो लाजमी है। और जहां आपने कहा कि रिजल्ट भी अच्छे दिखने को मिल रहे हैं, मैं रिजल्ट्स कभी नहीं देखता टेक्निकल एनालिस्ट होते हुए वजह से। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 121.50, 124.50 पे ट्रेड कर रहा है, ये बाउंस बैक में कम से कम 128 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए पहले टारगेट, दूसरा 134। देख लेते हैं किरण, नजर डालिए आप इन दोनों चार्ट्स पे, क्या कॉल दे रहे हैं? देखिए स्टार में मेरा मानना है कि अंडर करंट बहुत स्ट्रांग है और बिकवाली करने की सलाह नहीं होगी, मुझे लगता है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ रहना चाहिए। अच्छी खबर आई है किरण जी, बिकवाली करने की राय नहीं है, तेजी करने की राय है, क्योंकि न्यूज जो है वो पॉजिटिव है। प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी चाहिए, यही मैं बात कर रहा हूँ। तो 407 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए और अभी के लिए मेरा टारगेट करीबन 460-465 के देखने को मिल जाने चाहिए। जहां पे एनसीसी की बात है, ये चार्ट पैटर्न बहुत ही खराब है, इसमें बिल्कुल बिकवाली करके चलना चाहिए, इधर से बाहर निकलना चाहिए। नीचे में मुझे लगता है कि जो स्विंग लो थे वो एक बार निकल जाए तो मेरा मानना है कि आपको 62 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। 62 के लेवल, किस लेवल के नीचे आप कह रहे हैं 62 के लेवल आपको आते हुए दिखाई देंगे? मेरे ख्याल में आप कह रहे हैं कि हाल में हमने 6650 कहा था, सिप्ला बेचिए। सिप्ला का बाय द वे पहला टारगेट देखिए हासिल हो चुका है, तो मोहर लगाइए डायरेक्टर साहब और सिप्ला का चार्ट दिखाइए क्या। और ये शो जैसे ही हमने खोला था वैसे ही बताया गया था कि इसको बेच दीजिए, तो बताइए किरण जी, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके टारगेट नया देंगे या प्रॉफिट बुक करें? नहीं, प्रॉफिट नहीं बुक करना चाहिए हेमंत जी, बहुत ही खराब चार्ट पैटर्न है। मेरा मानना है कि इसको अभी छोड़ दे। अभी आपका मैंने जब बताया था तब करंट सीएमपी तब 493 था, तो मेरा मानना है कि 491 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखे। और जैसे मैंने सेकंड टारगेट 475 का दिया था, वो ट्यूजडे को अच्छी अच्छी न्यूज आने के बावजूद आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है।